नमस्कार, मैं मोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं दीक्षांत आईएएस में। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के संगठन तहरीक ए हुर्रियत पर 31 जनवरी को प्रतिबंध लगा दिया। यूपीए कानून के तहत यह कार्रवाई की गई है। अब प्रतिबंध लगाने का कारण क्या है, इस पर चर्चा करते हैं। गृह मंत्रालय के मुताबिक यह संगठन गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल है और जम्मू कश्मीर को भारत से अलग करके राज्य में इस्लामिक शासन स्थापित करना चाहता है। तहरीक ए हुर्रियत का गठन भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने और आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया गया था। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी ने साल 2004 में तहरीक ए हुर्रियत का गठन किया था। गिलानी के बाद तहरीक ए हुर्रियत के अध्यक्ष मोहम्मद अशरफ सहराई थे, जिनका भी साल 2021 में निधन हो गया। यह संगठन हुर्रियत कॉन्फ्रेंस का सहयोगी संगठन है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जम्मू कश्मीर के 26 संगठनों का समूह है, जिसका गठन 1993 में किया गया था। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस में कई ऐसे संगठन शामिल हैं जो पाकिस्तान समर्थक और अलगाववादी माने जाते हैं। इनमें जमात ए इस्लामी, JKLF और दुख्तरान ए मिल्लत आदि का नाम शामिल है। साल 2005 में हुर्रियत कॉन्फ्रेंस दो धड़ों में बट गया। इसके नरमपंथी गुट का नेतृत्व मीरवाइज उमर फारूक को मिला, वहीं चरमपंथी गुट का नेतृत्व सैयद अली शाह गिलानी ने किया। यूएपीए कानून क्या है? मूल रूप से यूएपीए को वर्ष 1967 में लागू किया गया था। इसे वर्ष 2004 और वर्ष 2008 में आतंकवाद विरोधी कानून के रूप में संशोधित किया गया था। अगस्त 2019 में संसद ने कुछ आधारों पर व्यक्तियों को आतंकवादी के रूप में नामित करने के लिए यूएपीए संशोधन बिल 2019 को मंजूरी दी।